दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 में आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हम सभी को काफी बेसब्री से पूरे हफ्ते भर इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें वीकेंड के वाले एपिसोड की, जहां पर सलमान खान घर के सभी कंटेस्टेंट की हफ्ते भर की गलतियों पर उनकी फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक के वीकेंड्स पर सलमान खान ने घरवालों की इतनी जमकर क्लास नहीं लगाई है जितनी की उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार का वीकेंड का वार एपिसोड बेहद ही खास होगा और सलमान खान घर के सभी कंटेस्टेंट की जमकर फटकार लगाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीकेंड के वार एपिसोड की शूटिंग शाम को 5:30 बजे से ही शुरू हो गई थी और ऐसा सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से कि सलमान खान ने आते ही प्रतीक सेजपाल की फटकार लगा डाली है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि भाई प्रतीक सेजपाल ने तो इस हफ्ते ऐसा कुछ किया भी नहीं जिसकी वजह से उनकी फटकार लगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान ने प्रतीक की फटकार इस मुद्दे पर लगाई है कि पूरा हफ्ता जो उनका बिहेवियर था वो काफी बदला सा नजर आ रहा था। प्रतीक सेजपाल ने एक ही मुद्दे को पूरे हफ्ते पर खींचे रखा, वो था किचन का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, बर्तनों की साफ सफाई को लेकर प्रतीक सेजपाल अक्सर हर दिन उमर रियाज और घर के बाकी कंटेस्टेंट के साथ में झगड़ा करते हुए दिखाई देते थे और इसके अलावा उन्होंने पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं किया और रोज रोज एक ही झगड़े की शुरुआत और एक ही झगड़े का अंत को देखते हुए प्रतीक सेजपाल की सलमान खान ने बुरी तरीके से फटकार लगा डाली है। हालांकि दोस्तों इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें कुछ ही समय बाद एपिसोड के अंत में दिखाए जाने वाले प्रोमो में पता चल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों सूत्रों का कहना है कि सलमान खान ने प्रतीक पर पूरी तरीके से अपनी फटकार लगाई है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शो की टीआरपी को बचाने के लिए बिग बॉस ने काफी बड़ा प्लान किया है और वो प्लान ये है कि पिछले सीजन के जो धांसु कंटेस्टेंट थे उनको शो के अंदर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर चैलेंजर्स बनाकर भेजा जाएगा। जिस तरीके से दोस्तों बीते सीजन टीआरपी को बचाने के लिए घर के अंदर चैलेंजर्स वाला मोड रखा गया था, जहां पर कई चैलेंजर्स घर के अंदर आग लगाने के लिए आए थे, जिनमें कि राखी सावंत, अर्सी खान, मनु पंजाबी और विकास गुप्ता जैसे हमें कंटेस्टेंट चैलेंजर्स के तौर पर दिखाई दिए थे। हो सकता है इस बार भी मेकर्स के द्वारा चैलेंजर्स की एंट्री करवाई जाए, क्योंकि दोस्तों सुनने में ऐसा भी आया है कि इस बार निक्की तंबोली जैसे कंटेस्टेंट की भी घर के अंदर चैलेंजर्स के तौर पर एंट्री हो सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या घर के अंदर चैलेंजर्स लाने चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों आपके अनुसार कौन से कंटेस्टेंट को घर के अंदर चैलेंजर्स बनाकर डाला जाए ये भी साथ में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और बिग बॉस के वीकेंड के बारे एपिसोड की हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।